आप सभी को अष्टमी और नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो आज हमारे यहाँ अष्टमी पर कन्या पूजन होता है, जिसे हमारे पंजाबियों में कंजक कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हुआ है एक बेबी बॉय जिसकी वजह से घर में लगा है सूतक। तो हम कंजक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ छोले पूड़ी और इस वक्त का यूट्यूब पर सबसे वायरल मखंडी हलवा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मखंडी हलवा बनाने के लिए मैंने ली है आधा कटोरी सूजी। हम दो लोग ही हैं खाने वाले, इसलिए मैंने आधा कटोरी ही ली है। और इसमें मैंने दूध डाला है सूजी का डबल, यानी कि एक कटोरी दूध। ये नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध है। इसे अब अच्छे से मिक्स कर मैं ढक कर रख दूंगी एक घंटे के लिए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं छोले। छोले मैंने रात को ही भिगो दिए थे और अब मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर 5 फिसल लगाकर बॉईल कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ इसका मसाला। तो यहाँ मैंने एक कटोरी में डाला है आधा चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच भरकर डाला है मैंने सूखा धनिया का पाउडर, और साथ में आधा चम्मच डाली है लाल मिर्च, और 1 चम्मच डाला था मैंने गरम मसाला। मैंने लाल मिर्च इसलिए कम डाली है क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी गरम मसाला डाला है और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं। तो अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसका एक पेस्ट रेडी कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में डाला है मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और उसमें डाल दिया है ये सारे मसालों का पेस्ट। अब इसे 2 मिनट के लिए मैं भून लूँगी और उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी बॉयल किए हुए छोले। इस स्टेज पर आप ना हरी मिर्च को भी स्प्लिट करके, यानी बीच में से काट कर डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने नहीं डाला है। और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने छोलों का डाला था जिससे कि सारे मसाले अच्छे से छोलों के अंदर रस जाएं। उसके बाद मैंने इस पे डाल दिया था, जब पानी थोड़ा सा सूख गया था, मैंने इसमें डाला है कसूरी मेथी और डाला था हरा धनिया बारीक काट कर। तो यहाँ हमारे छोले तो हो गए हैं बिल्कुल रेडी, उनको रखते हैं साइड पर। और यहाँ पूड़ी के लिए मैं आटा लगा रही हूँ। तो मैंने लिया है 1 कटोरी आटा और उसमें डाला है मैंने 1 टेबल स्पून सूजी का, साथ में मैंने डाला है आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच अजवाइन का। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, ये हम सभी जानते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसका एक नॉर्मल डो लगाऊंगी। सूजी है इसलिए नॉर्मल डो लगाना है, पूड़ी वाला डो नहीं लगाना है क्योंकि बाद में सूजी फूल जाएगी। तो इसे भी रखते हैं थोड़ी देर साइड पर। उसके बाद यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने लिया है आधा कटोरी देसी घी का। जितनी सूजी है उतना ही हमें घी लेना है और उतना ही हमें चीनी लेनी है। जब यहाँ पर घी थोड़ा सा मेल्ट हो गया था तब मैंने इसमें डाल दी थी आधा कटोरी चीनी। चीनी को बिल्कुल लो फ्लेम पर तब तक चलाइए जब तक कि वो ब्राउन कलर की नहीं हो जाती, जैसे इसमें दिख रही है गोल्डन ब्राउन कलर की, जब तक इस तरह की नहीं हो जाती। और अब गैस की फ्लेम को कर दीजिए बिल्कुल बंद और इसमें ऐड कर दीजिए जो हमने सूजी रखी थी दूध के अंदर भिगोकर, उसे ऐड कर दीजिए और इस तरह से चलाते रहिए। और अब आप गैस को दोबारा ऑन कर लीजिए और उसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हम भूनेंगे 10 मिनट के लिए। इस हलवे को मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है और फर्स्ट टाइम ही खाया है। सच कहूँगी ये दूसरे हलवे से बिल्कुल अलग है। एक तो ये दानेदार बना था और दूसरा एक इसमें अलग ही टेस्ट था, जबकि मैंने इसके अंदर ना ही इलायची पाउडर डाला था ना ही मैंने कोई इसमें एसेंस मिलाया था, फिर भी जो इसमें फ्लेवर आ रहा था वो बहुत ही कमाल का था। सबसे अच्छी चीज़ ये बनता बहुत झटपट से है। ये इतना अच्छा बना था कि मेरे हस्बैंड ने भी नोटिस किया कि ये कुछ डिफरेंट है और उन्होंने मुझसे पूछा कि आज कुछ अलग तरीके से बनाया है क्या तुमने हलवा, क्योंकि ये बहुत ही दानेदार बना है और इसका स्वाद भी बहुत अलग है। जब ये थोड़ा सा भुन गया था तब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे। मैंने डाले थे काजू और साथ में डाली थी किशमिश। और जैसे जैसे ये भुन रहा था इसके अंदर से घी भी रिलीज होने लगा था। जिन भी लड़कियों की शादी होने वाली है वो अपनी पहली रसोई में यही हलवा बनाइएगा। सगन के साथ साथ आपको बहुत सारी तारीफ भी मिलेगी। और बाकी सब लोग भी इस हलवे को ज़रूर ट्राई करिएगा। फटाफट से मैंने पूड़ियाँ भी सेक ली थी और यहाँ हम करते हैं अपने छोले पूड़ी और मखंडी हलवे को एंजॉय। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि वो हम सभी की मनोकामनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।